दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय प्रमो ज्वेलर्स एंड गिफ्ट सेंटर। पूरे देश भर में और महाराष्ट्र समेत विदर्भ में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वर्धा रोड स्थित वर्धा रोड गणेश उत्सव मंडल द्वारा पिछले 8 वर्षों से बड़े ही उत्साह के साथ गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस साल के वर्धा श्री गणेश उत्सव का जायजा लिया है महाराष्ट्र TV24 ने। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इस गणेश उत्सव के अवसर पे मैं जो है समस्त विदर्भ वासियों को जो है वर्धा रोड के राजा की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 8 वर्षों से वर्धा रोड के राजा के माध्यम से ये गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें स्वास्थ्य से लेकर के सामाजिक कार्य ये सभी जो है वर्धा रोड के राजा के माध्यम से जो है हमारे इस मंडल के द्वारा चलाए जाते हैं। उसमें हर वर्ष जो है महिलाओं की महाआरती जो है बड़े पैमाने पे जो है मातृशक्ति इस महाआरती में भाग लेते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने जो इसका शुरुआत की थी गणेश उत्सव की, तो उसके पीछे उनकी एक ही कल्पना थी कि समाज के विभिन्न समुदाय के लोग क्यों ना हो, सभी जो है गणेश उत्सव के माध्यम से जो है एकत्रित हो और समाज में जो एक अच्छा संदेश जाए और सब जो है अपने मतभेदों को भूल करके, तो इसमें जो है सर्वधर्म के लोग भी जो इसमें शरीक होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वर्धा रोड का राजा कामना पूर्ति गणेश के नाम से जो है प्रसिद्ध है। हमने कई जो है भक्तों का मनोगत देखा तो लोगों ने बताया कि कई प्रकार की जो भी हमारी मन्नत थी वो इस माध्यम से पूरी हुई। आज जो है यहाँ पर देश के लोकप्रिय नेता और नागपुर के सांसद और हमारे इस वर्धा रोड के राजा के मार्गदर्शक नितिन जी गडकरी, उन्होंने भी जो है यहाँ पे आकर के बापा की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। पिछले 2 सालों में लोगों की जो है दिनचर्या एक तरीके से रुक गई थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो आम जनता हो, लेकिन ये हमारे लिए जो बड़े गौरव की बात है कि हमारे यहाँ जो है कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनी उससे जो है कई लोगों को राहत हुई। और ये पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो आयोजन जो शुरू हुआ है इसमें प्रशासन भी जो है बढ़ चढ़ करके जो है भाग ले रहा, नहीं तो कई प्रकार की NOC लेते लेते जो है मंडलों को बहुत तकलीफ होती थी। और आज जो ये शासन आया है महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी का, उनने जो है ये सब शिथिल कर दिया कि आप लोग जो है अपने उत्साह जो है गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, इसलिए इसमें मंडलों को कोई तकलीफ नहीं आ रही। और इसमें जो है मैं देख रहा हूँ कि पिछले 8 वर्षों में इस वर्ष जो है बहुत जनता जो है इसमें शरीक हुई और बहुत लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ के, और मातृशक्ति विशेष रूप से जो है और सभी लोग इसमें मना रहे, तो ये हम लोगों के लिए जो है कोरोना के बाद में एक तरीके से समझिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सब लोग जो है बड़े धूमधाम से यहाँ मना रहे इस उत्सव को। देखिए पिछले 8 वर्षों से हम लोग यहाँ पर वर्धा रोड पर गणपति की स्थापना कर रहे हैं। वर्धा रोड का राजा नाम से हम लोग गणेश उत्सव की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते हमने यहाँ पर स्थापना नहीं की बापा की, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में जो महामारी आई थी उससे हमें भी लगा कि मंडल में जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएँ आती हैं, किसी को भी ये समस्या ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर ये 2 वर्ष आयोजन नहीं किया। लेकिन अभी इस वर्ष हम लोगों ने पूरे धूमधाम के साथ में यहाँ पर बापा की स्थापना की है। और अभी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक एक तो हम लोग हर साल कोई ना कोई उपक्रम चलाते हैं। इस साल का हमारा उपक्रम है कि हम लोगों ने दंत सेवा करने का निर्णय यहाँ पर लिया, जिसमें कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में हमारे नागपुर शहर के वरिष्ठ डॉक्टर राठी साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नागरिकों के लिए हम लोगों ने दंत चिकित्सा और मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया है, जो कि रोज़ यहाँ पर हमारे कार्यालय में चल रहा है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने पिछले जो अभी संडे गया उसमें हम लोगों ने महारक्तदान शिविर लिया, उसमें भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज हमारे गणपति बापा के यहाँ पर पेंडाल में हम लोगों ने COVID-19 की बूस्टर डोज की जो वैक्सीन जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, हमारे जो कलेक्टर साहब ने जो आह्वान किया था कि मंडलों में आप लोग वैक्सीन देने का कार्य करें, तो हम लोगों ने आज ही वो काम किया, जिसमें कि लगभग मेरे हिसाब से कई लोगों ने यहाँ पर आज वैक्सीन लेने का काम किया। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों को भी हम लोग क्या यहाँ पर कुछ मदद कर सके, या किसी को हम लोग और हमारे तरफ से मंडल की तरफ से गरीब बच्चों को भी हम लोगों ने किट स्कूल की किट देने का काम किया,
तो ये सब उपक्रम हम लोग यहाँ पर वर्धा रोड के राजा की ओर से चला रहे हैं। क्या आपको भी पसंद है मशीन्स की साइंस को समझना और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में अपने नए नए आइडिया से कमाल करने का? तो अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाना भूल जाइए, क्योंकि कैलाश वर्षीय लक्ष्मण राव वस्ताद स्किल वार ITI व मल्टी स्किल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आपके लिए लाया है ITI में शिक्षा व रोजगार के लिए सुनहरा मौका। इतना ही नहीं, अगर आप है 10वीं पास तो मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे अन्य सेक्टरों में जॉब के लिए मुफ्त प्रवेश, और SC ST या OBC स्टूडेंट्स को मिलेंगी बंपर स्कॉलरशिप। और अब ग्रामीण छात्रों की सुविधा के लिए इंडस्ट्री लाई है विहिर गांव में भी अपनी ब्रांच, मल्टी स्किल इंडस्ट्री ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट विहिर गांव नागपुर। तो देर किस बात की, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दे। हमारा पता स्वामी समर्थ मंगल कार्यालय के पास महाड़ी नगर फुड़केश्वर रोड नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 07-1227-43889 पर या कॉल करें 9767-01789141 पर।